इट्स मी सोनल कौशल, वेलकम बैक टू माई चैनल द मोटर माउथ। तो गाइस, आप सब लोगों को गुड न्यूज ऑलरेडी मिल चुकी है इंस्टाग्राम के थ्रू, लेकिन हाँ, यूट्यूब चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम इस बारे में बात कर रही हूँ। और आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू नन्ना मुन्ना प्यारा सा मेहमान जो बहुत जल्द आने वाला है। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपनी फैमिली को कैसे बताया कि वी आर एक्सपेक्टिंग एंड एक नया प्यारा मेहमान आने वाला है हमारे घर में, किस तरह से उनके रिएक्शंस थे एंड सबको कैसा लगा, ये आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नानी पास। और उन लोगों को नानी जी, नाना जी, मामा जी जो हमारे घर के सबसे बड़े हैं, उनको खबर देने दो चीजों की। सीता अभी डॉक्टर के यहाँ से निकले हैं और हमने मिठाई खरीदी है। अब क्यों खरीदी है? नानी जी के यहाँ जा रहे हैं। घर पक्का हो गया है और मेरे बच्चे और आगे बढ़े। तो दोनों ने नानी जी के दोनों पढ़े ना? आपने बोला था मैं नानी जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू। और ये भी कहावत पता है, पढ़ पिया साथ गया। क्या मतलब? सोने की सीढ़ी चढ़ा चढ़ते हैं बोलते हैं ना, वो ही हो गया। बहुत अच्छी खबर देख। हमने सोचा कि कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, इसीलिए हमने लेटर्स प्रिपेयर किए और अपने घरों पर भेजे। क्या लिख रहे हो? सरप्राइज। सो गाइस, हमने ऐसा प्लान किया है कि हम लोग लेटर्स भेजेंगे अपने घरों पे, उनको बोलेंगे खोलना मत जब तक हम ना बोले। सो लेट्स सी ये हमारा सरप्राइज कैसा रहता है। क्या बात है, मस्त आइडिया है ना मेरा। क्या हुआ? मेरे हर आइडिया को बोलते हो आपका आइडिया। सो गाइस, प्लान ऐसा है कि घरों पे तो जा रहे हैं एनवेलप्स, और इसके अंदर सोनल पूरा नोट बना रही है। मेरी हालत देख लो, बहुत वीकनेस हो रही है। सो और जो भाई भाभी हमारे, भाई भाभी और शनाया जो कि कनाडा में है, उनको जाएगा एक ईमेल और उनको कहा जाएगा आप अब अपना ईमेल आईडी खोलो, और जैसे ही वो खोलेंगे तो सेम मैसेज वहां पे अपीयर होगा। और देखो हमने कैसे सुनाया, दिखाओ। हमने ऐसे लिखा है बेबी की तरफ से मैसेज, और छोटे छोटे स्टिकर्स लगाए और आज की डेट डाली है। हमने उन्हें बोल दिया था कि आपको ये लेटर्स तब तक नहीं खोलने जब तक हम ना बोले। और इसी के साथ उत्कर्ष भी आ चुके हैं। सो मैंने सबको बता दिया कि हमने क्या प्लानिंग की थी और कैसे हम सबको इन्फॉर्म किया। सो सस्पेंस ये था कि ऐसे तो सबको लग रहा होगा लेटर भेजे तो सबको लग रहा होगा कि हाँ कुछ तो है गुड न्यूज, क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा से बहुत टाइम से बोल ही रहे थे। लेकिन एक अच्छी बात ये थी ना, क्योंकि उसी समय हमने घर भी लिया था, तो हमारे पेरेंट्स को ये लग रहा था कि ये गृह प्रवेश का एक इन्विटेशन है, और हमने लेटर्स पे ऐसे फोटोज भी ऐसी चिपकाई हुई थी कि उनको ऐसे लगे कि ये तो कोई घर का इनविटेशन है, ये लोग हमारे को घर के अपने गृह प्रवेश पे इनवाइट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ ये आप लोग खुद ही देखो। इसके अंदर जो भी लिखा आपको तेज पढ़ना है, जोर से पढ़ना है। मम्मी डियर नानू एंड नाद, आई एम कमिंग टू सी यू। क्या है ये? कौन
इधर रूमी पापा आपको नाना नानी कौन बनाएगा बताइए पापा थैंक यू क्या बहन खुशी के आंसू बह रही हो बटियस कांग्रेचुलेशंस सीधे भगवान जी के मंदिर चली गई हमने भी लेटर उनके चरणों में रखा है देखो भाई को एक व्हाट्सएप आया है अरे वाह बधाई हो भाभी बधाई हो बधाई हो भाई बहुत बहुत बधाई हो कांग्रेचुलेशंस भाई थैंक यू भाभी थैंक यू भाई थैंक यू राधे राधे थैंक यू उसके बाद हमारे घर पे जो हमारे छोटू भैया हैं उनको भी हमने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से ये न्यूज़ बताई एक्चुअली हुआ ये था कि शुरू के जो फोर वीक्स होते हैं वो तो पता ही नहीं चलते एंड द डे व्हेन आई मिस्ड माय डेट उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहने लग गई तो छोटू भैया को भी पता था कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है एंड देन वी गेव हिम द गुड न्यूज़ ऑल्सो और गबरू को भी हमने गबरू भी बड़ा भाई बनने वाला था तो उसको भी हमने ट्रीट दी इस दिन तुम चाचा बनने वाले हो गबरू आप बड़े भाई बनने वाले हो गबरू हाउ डू यू फील गबरू हाउ डू यू फील गबरू इज सुपर एक्साइटेड हमारे फ्रेंड्स ईशान और मार्गी उनका रिएक्शन क्या था वो भी आप देखो मन कच्चा कच्चा हो रहा है भाई और मेरी भाभी तुम लोग चाचा चाची बनने वाले हो चाचा चाची बन रहे हो भाई आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो हमारे होने वाले बच्चे या बच्ची को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा अभी ये वीडियो आज आया है और वी आर एक्सपेक्टिंग एनी डे वी विल बी पेरेंट्स नाउ सो होप फॉर द बेस्ट एंड इफ यू वांट कि अगर हम पॉसिबल हुआ तो अगर हम हॉस्पिटल में भी शूट कर पाए अगर उन्होंने हमें अलाउ किया तो हम वो भी जरूर करेंगे मैं तो खैर अंदर होंगी और मैं किस सिचुएशन में होंगी अभी मुझे खुद भी नहीं पता बट मैं जरूर कोशिश करूंगा हाँ. अपना बेस्ट देने की और उस समय सिचुएशन के हिसाब से कैसा रहता है लेकिन वी विल एंड कोशिश करेंगे कि आपको भी पूरा रिएक्शन और कोशिश करेंगे कि पूरा प्रोसेस आपको दिखाए पर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे आपका रिएक्शन देखना है यस तो गाइज वी होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा हमने स्पेशली आप लोगों के लिए ही शूट किया था लेकिन इतने टाइम से इतना कुछ चल रहा था घर के काम ये वो हम दोनों खुद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं तो इसलिए ये वीडियो बहुत लेट आया है बट हाँ टाइम से पहले बेबी के आने से पहले ये वीडियो आ गया है स्पेशली फॉर यू एंड आप बेबी से रिलेटेड और क्या देखना चाहते हो या फिर जो भी आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अपना प्यार हमारे पे बरसाते रहिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए बाय बाय प्यार यू